नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में आज सुनवाई हुई, लेकिन कुछ फैसला नहीं आया। कोर्ट ने बुधवार को भी सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया है। कल सुबह 10:30 बजे से सुनवाई होगी। कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला शेड्यूल क्राइम का नहीं है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। बड़गई अचल की जिस विवादित 8.5 एकड़ जमीन की बात की जा रही है, उसके मूल दस्तावेज में हेमंत सोरेन के नाम का कोई जिक्र नहीं है। लोगों के कहे अनुसार कार्रवाई चल रही है, ईडी मामले को खींच रही है। ईडी ने जिन जिन बातों का जिक्र किया है वो सारी बातें गलत है। ईडी पूर्व सीएम के खिलाफ जबरन सबूत जमा कर रही है। इससे पहले 12 फरवरी को सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ईडी को प्रार्थी की ओर से याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर समग्र जवाब दायर करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की गई थी। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से दायर संशोधित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। आज इस मामले की फाइनल सुनवाई होनी है। प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन पक्ष रखा था। उनके साथ महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने दिया। ईडी की ओर से ASGI SV राजू और अधिवक्ता अमित कुमार दास ने पक्ष रखा था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।